focus of the day. हेलो स्पिरिंस, अ वेरी वार्म वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिनलिस्ट आईएस। तो नासा एक नया टाइम जोन बनाने जा रहा है, खास करके केवल मून के लिए। नाउ ये क्या है, इससे क्या चीजें जुड़ी हुई हैं, देख लेते हैं। रिसेंटली जो यूएस का व्हाइट हाउस है, उसने ऑफिशियली डायरेक्ट किया है नासा को कि वो एक टाइम स्टैंडर्ड बनाए चंद्रमा के लिए, जो इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, इनको इस्तेमाल कर सकती है अपनी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए, खास करके लूनार सरफेस पर। नाउ यहाँ पर ये क्या चीज़ है, तो नासा जब इसको क्रिएट करेगा तो ये जो है ये टाइम कीपिंग के लिए है, और ये इस तरीके से सर्व करेगा एक बेस लाइन की तरह, खास करके जो लूनार मिशन होते हैं अलग अलग ग्रेविटी फोर्सेस के लिए, अलग अलग फैक्टर्स जो टाइम को इन्फ्लुएंस करते हैं मून पर। इसका एम है प्रेसिशन इंप्रूव करना लूनर मिशंस के लिए, आसानी से डेटा एक्सचेंज हो सके स्पेसक्राफ्ट और बाकी ऑपरेशंस में कोऑर्डिनेट हो सके, कमर्शियल एक्टिविटीज जो हम मून पे लेने वाले हैं। नाउ यहाँ पर एग्रीमेंट्स, यहाँ जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स करती हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम पर वर्क करता है, जिसको यूटीसी भी कहा जाता है। नाउ ये स्टेशन के ऑर्बिट और ग्रेविटी वेरिएंसेस को लेकर के होता है। जो लूना का एनवायरनमेंट है ये यूनिक है बेसिकली, यहाँ खास करके टाइम कीपिंग के ऑब्स्टिकल्स बहुत ज्यादा है, जैसे ग्रेविटी फोर्सेस का वेरिएशन है या फिर जो ड्यूरेशन है लूनर डे में उसका वेरिएशन है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम या लूना स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत है। नाउ यहाँ पर नीड क्या है, तो नीड पर हम थोड़ा बात देखेंगे। तो यहाँ कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए, बहुत सारे स्पेस ऑपरेशंस ऐसे होते हैं मून के अराउंड जहाँ पे स्क्रिप्ट स्पेस क्राफ्ट और जो कंट्रोलर जहाँ से कम्युनिकेशन होता है उनके वेयर अबाउट से, वो अर्थ के टाइम जोन से बहुत इंडिपेंडेंटली होता है, एकदम अलग होता है। तो एक यूनिवर्सल टाइम जोन जो होगा ये हेल्प करेगा इस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में, जो अलग अलग वेरियस गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट कंपनीज आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, खास करके मून के अराउंड। नाउ यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसके पास कोई टाइम जोन नहीं है, इंस्टेड हमने बात की थी कि हम कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम का इस्तेमाल करते हैं जो एटॉमिक क्लॉक्स पर बेस्ड होता है। ये हेल्प करता है जो टाइम गैप है नासा और जो कैनेडियन स्पेस एजेंसी और बाकी इंटरनेशनल जो स्पेस पार्टनर्स हैं जैसे इंडिया का इसरो वगैरह है, तो इन सब में ये हेल्प करता है। एक सिमिलर अप्रोच जो है यहाँ पे जरूरी है, खास करके लूनार मिशंस के लिए, जैसे कि यहाँ पर हम एटॉमिक क्लॉक का यूज करते हैं। नाउ करंट मेथड जो है ये थोड़ा सा अनसस्टेनेबल माना जाता है। लूनार मिशन जो है ये ऑपरेट करते हैं अपनी कंट्री के टाइम के हिसाब से जो उसको लॉन्च करती है। हाउएवर बहुत सारे लूनार एक्सप्लोरेशन जो होते हैं जिनको प्लान किया जाता है, जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इसने डिक्लेयर किया है कि जो फिलहाल का एग्जिस्टिंग मेथड है हर कंट्री का अलग, ये बहुत अनस्टेबल है। तो एक स्टैंडर्डाइज यहाँ पे टाइम जोन की जरूरत है ताकि कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन हो पाए। अब प्रश्न है कि कैसे अर्थ का टाइम जोन वर्क करता है। ज्यादातर जो अर्थ पर जो क्लॉक्स हैं वो यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम या यूटीसी पर यहाँ पे वो डिपेंडेड होती हैं, जो एसेंशियली इंटरनेशनल एग्रीड है, ये स्टैंडर्ड है वर्ल्ड टाइम के लिए। इसको जो है वो सेट किया था इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने पेरिस फ्रांस में। नाउ यहाँ पर हुआ ये था कि ये लगभग 400 एटॉमिक क्लॉक्स जो हैं इनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ग्लोब पे रखा जाता है। एटॉमिक क्लॉक जो है वो टाइम मेजर करती है जो रेजोनेट फ्रिक्वेंसी होती है एटम्स की, खास करके एज जो सीजियम 133 की है, रिमेंबर द नेम ऑफ दिस आइसोटोप, ये एक्यूरेट अल्ट्रा एक्यूरेट टाइमिंग देती है। यहाँ पर लोकल टाइम एक्यूरेट और लोकल टाइम अलग होता है। मोर ओवर एटोमिक टाइम में एक सेकेंड को डिफाइन किया जाता है, ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें सीजियम एटम कुछ सर्टेन टाइम्स के लिए वाइब्रेट करता है। नाउ एज वेरिएशन रेट जो है वो एटम्स का एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, हाईली स्टेबल है, अल्ट्रा एक्यूरेट है। तो जो एटॉमिक क्लॉक्स है ये बहुत एक्सीलेंट डिवाइस है, खास करके अगर हम जो पास करता हुआ टाइम है उसको अगर हम देखते हैं। लोकल टाइम ऑब्टेन करने के लिए यहाँ कंट्रीज जो हैं वो सर्टेन टाइम जोन को जो यूटीसी है उससे माइनस करती हैं या प्लस करती हैं, जिसको हम कंपेयर करते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मेरिडियन से, जिसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। ये पास करता है लंदन की ऑब्जर्वेटरी से। नाउ यहाँ पर इसके अगर हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे हमें टाइम इसमें ऐड करना होता है, और अगर हम इसके पीछे जाते हैं तो टाइम हमें यहाँ माइनस करना होता है। तो ये इससे जो चीज़ें हैं हम जो लोकल टाइम जोन है वो इस प्रकार से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 12 बज रहे हैं तो इंडिया में वही लगभग 5:30 बज रहे होते हैं। ये कुछ 5.5 घंटे का असर यहाँ देखने को मिलता है, पर डिग्री जो है वो 4 मिनट का यहाँ पे गैप आता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो देखनी होती हैं। नाउ चैलेंजेस हैं इसको एस्टैब्लिश करने के लिए, आसानी से नहीं हो पाएगा, खास करके जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं ये परफेक्टली अर्थ पर टाइम मेजर करती है। हाउएवर इसी टाइम को सिंक्रोनाइज करना
क्योंकि जो क्लॉक्स हैं वो बहुत तेज रन करती हैं, अप्रोक्सीमेटली 58.7 माइक्रोसेकेंड जो है ये डेली ये जो है वो अर्न कर लेंगी मून पर। यहां पर जो है ये चैलेंजिंग होगा यूनिफॉर्म टाइम जोन बनाने के लिए पूरे एंटायर मून के लिए, जितना बड़ा टेरेन है यहाँ मून का, ये जो लाइटनिंग कंडीशंस हैं उसके सरफेस के ऊपर, यहाँ पे इरेगुलर अन इवन मूवमेंट भी है मून की, कोई भी लूनार टाइम कीपिंग सिस्टम जो होगा वो बेसिकली यहाँ पे मून का जो अनइवन रोटेशन है मूवमेंट है, इन सारी चीजों को भी यहाँ देखना पड़ेगा जो डिफर करता है अर्थ के रेगुलर रोटेशन से। नासा की यहाँ पे क्या अप्रोच रहने वाली है, तो नासा यहाँ पे एटॉमिक क्लॉक्स को डिप्लॉय करेगा, एटॉमिक क्लॉक्स जो अपने एक्सेप्शनल एक्यूरेसी के लिए यहाँ जानी जाती हैं, इनको डिप्लॉय किया जाएगा लूना सरफेस पे। ये जो क्लॉक्स हैं ये टाइम मेजर करेंगे ऑसिलेशन पे बेस्ड, जो एटम सीजियम या रुबिडियम का एटम यहाँ यूज किया जा सकता है, ये कैपेबल है एक प्रेसाइज टाइम कीपिंग मेंटेन करने के लिए एक्सट्रीम कंडीशंस में भी। यहाँ पे स्ट्रैटेजिक प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे जो वेरिएशन है मून पे ग्रेविटेशन फील्ड या रोटेशन डायनेमिक्स उनको देखा जाएगा, मल्टीपल एटॉमिक क्लॉक्स को स्ट्रैटेजिकली यहाँ प्लेस किया जाएगा अलग अलग लोकेशन पे लूनार सरफेस पे। ये कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट देगा खास करके लूनार टाइम का, जो वेरी करेगा लूनार बेसिकली वेरियस लूनार लैंडमार्क्स और बेसिस के ऊपर। यहां पर एक चीज और होगी, जो आउटपुट होंगे इन एटॉमिक क्लॉक से इनको इंटीग्रेट किया जाएगा, सिंथेसाइज किया जाएगा सोफेस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करके। ये जो एल्गोरिथम्स होते हैं ये कंसिडरेशन में कुछ फैक्टर्स को लेंगे, जैसे कि लूनार ग्रेविटी की जो एनोमलीज हैं, ऊपर नीचे होता है, रोटेशन का वेरिएशन होता है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, ये सारी चीजें। मोर ओवर जैसे लूनार टाइम स्केल जो स्टैंडर्ड है ये इंडिपेंडेंट होगा और ये लूनार कंडीशंस के ही हिसाब से इसको बनाया जाएगा, ये जो है ये सिंक्रोनाइज करेगा अर्थ बेस्ड का जो टाइमिंग सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन है ये सीमलेस कोऑर्डिनेशन देगा, डेटा ट्रांसफर देगा, मिशन कोऑर्डिनेशन देगा लूनार ऑपरेशंस में और खासकर जो अर्थ पर मिशन हैं उन पर भी। इंपॉर्टेंस प्रेसिशन मिशंस में, डेटा एक्सचेंज में हेल्प करेगा, सीमलेस कम्युनिकेशन देगा अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बीच में, कमर्शियल एक्टिविटीज में हेल्प करेगा, जो कोऑर्डिनेटेड लूनार टाइम होगा बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। यहाँ पर कंपैरिजन अगर अर्थ के टाइम जोन और लूनार टाइम जोन का करेंगे तो अर्थ का टाइम जोन जो है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम पर डिपेंडेड है, जो लूनार टाइम जोन होगा ये कोऑर्डिनेटेड लूनार टाइम पर डिपेंडेड होगा। मोरओवर ये लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस हम ग्रीनविच से देखते हैं, ये लूनार ग्रेविटी और रोटेशनल डायनेमिक्स से होगा, स्पेसिफिकली यहाँ पर ये अर्थ के रोटेशन ऑर्बिट से अकाउंट करता है, ये मून के रेगुलर जो रोटेशन है या मूवमेंट है उसे अकाउंट करता है। ये एस्टैब्लिश्ड है, स्टैंडर्ड है ग्लोबली, लेकिन ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है, अभी फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। कुछ यहाँ पर चैलेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं पोटेंशियल, टाइम सिंक्रो करना खास करके लूना क्रॉक्स के बीच में और अर्थ बेस्ड सिस्टम्स के बीच में, ये क्रूशियल होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। सेटेलाइट का नेटवर्क बनाना जो मून को ऑर्बिट करें ये जरूरी होगा, खास करके कम्युनिकेशन के लिए जो टाइम सिग्नल होगा अर्थ और मून के बीच का, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन यहाँ जरूरी है अलग अलग स्पेस स्टेशन या प्राइवेट कंपनीज के बीच में। यहाँ पे अपग्रेड खास करके लूना टाइम कीपिंग सिस्टम को ओवर टाइम नेसेसरी मेंटेनेंस अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ेगी। नाउ यहाँ पर पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या है फ्यूचर के लिए, नेविगेशन पोजिशनिंग में यह हेल्प करेगा एंड मोर ओवर खास करके लूनार मिशन को, साइंटिफिक रिसर्च में हेल्प करेगा, प्रेसाइज कोऑर्डिनेशन होगा, डेटा सिंक्रोनाइजेशन होगा अलग अलग रिसर्च टीम का ऑल ओवर द ग्लोब। यहाँ पे फ्यूचर लूनार सेटलमेंट्स जो होंगे, जैसे जैसे ह्यूमैनिटी एक्सप्लोर कर रही है पॉसिबिलिटी कि हम परमानेंट लूनार सेटलमेंट्स यहाँ रख सकें, तो जो कोऑर्डिनेटेड टाइम होगा ये जरूरी होगा, जो डेली एक्टिविटीज होंगी उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, शेड्यूल करने के लिए, ये सारी चीजें हैं। तो यूनिक कंडीशंस जो मून के हैं उनको ध्यान में रखते हुए इंप्रूव कम्युनिकेशन के लिए, डेटा एक्सचेंज के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए ये जरूरी है। यस, जैसे जैसे ह्यूमैनिटी का प्रेजेंस होने वाला है तो दोनों गवर्नमेंट और कमर्शियल इंटरेस्ट जो है, प्राइवेट कंपनीज जो है, ये इंपॉर्टेंट है यूनिफाइड लूनर टाइम जोन के लिए, इसको ओवरस्टेट नहीं किया जा सकता, इसको घटाया नहीं जा सकता, इसकी इंपॉर्टेंस को घटाया नहीं जा सकता। नाउ ये रिलायबिलिटी और ज्यादा बढ़ा देगा लूनर ऑपरेशंस पे, सिंक्रोनाइजेशन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, मेंटेनेंस जो है इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं। नाउ योर टुडेस फिलिंग्स फॉर डिस्कशन, द क्वेश्चन सेड विद रेफरेंस टू द लूनर एक्सप्लोरेशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द नासा हैज बीन डायरेक्टेड टू एस्टैब्लिश अ स्टैंडर्डाइज्ड timekeeping system for the moon. This system known as the coordinated lunar time aims to improve the communication data exchange between the lunar missions unlike the international space stations and uses coordinated time. CLT will be independent of earth based timing. A key challenge in establishing CLT is the varying gravitation pull across the lunar surface. You can type them in the comment section, let me know if you not. Then today's main speed question, the question says the National Aeronautics and Space Administration has been tasked with developing a new timekeeping system for the moon.
Explain the challenges involved in establishing a lunar time standard and discuss its potential benefits for future lunar exploration endeavors. So this was all about today's video and session. I've understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Enlist IAS for your better preparation.